नमस्कार, मैं महिमा किराडू, आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू से हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम कक्षा छठी का जो हमारा पाठ है वसंत का 17, उसमें सांस सांस में बांस का भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बांस कहाँ पर भारत में उत्पादित होता है, उसके बाद में बांस से किन किन चीजों का निर्माण किया जाता है, उसके बाद बांस की खपची कैसे तैयार की जाती है। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अब उसके बारे में क्या बताया गया है। तो बच्चों, हमारा प्रसंग है सांस सांस में बांस, जो कि आपकी किताब का पाठ 17 है। इसमें सबसे पहले खपची क्या होती है। खपची बच्चों, बांस की तीली को खपची कहते हैं। बांस की तीली जो कि बांस से निकाली जाती है, गाठानों को लेकर के आपको क्या चीज बनानी है उस हिसाब से बांस की खपची को निकाला जाता है और उसको चिकना बनाया जाता है। जिससे इसको चिकना बनाया जाता है उस चाकू को क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं दाव। दाव क्या होता है, चौड़े चांद जैसी फाल वाला चाकू जिससे खपची तैयार की जाती है। इसमें बच्चों, इसको अंगूठे की साइड से इसको पकड़ करके इसको बार बार घिसा जाता है जिससे खपची चिकनी हो जाती है और उससे हम बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों, किस बांस से खपचियां निकाली जाती है, तो जो कच्चे बांस होते हैं उनसे खपची तैयार की जाती है। तो कच्चे बांस क्या होते हैं बच्चों, कच्चे बांस होते हैं जो बांस 1 से 3 वर्ष की उम्र के बांस होते हैं, यानी जो 1 से 3 वर्ष तक के बांस होते हैं उन्हें कच्चे बांस कहते हैं और जिनसे खपची तैयार की जाती है। क्यों? क्योंकि ये बांस लचीले होते हैं, इसलिए इनसे खपची तैयार की जाती है। पक्के बांस क्या होते हैं, पक्के बांस बच्चों वो होते हैं जो 1 से 3 वर्ष की उम्र से बड़े होते हैं, यानी 3 वर्ष के बाद के जो बांस होते हैं वो पक जाते हैं, इसलिए उनको पक्के बांस कहते हैं। ये बांस की क्या विशेषता होती है, देखो बच्चों, पक्के बांस 3 वर्ष के ऊपर की आयु के बांस होते हैं जो सख्त होते हैं, इन्हें बूढ़ा बांस भी कहा जाता है। तो प्रश्न होता है कि बूढ़ा बांस किसे कहते हैं, यानी पका हुआ बांस, क्योंकि इनसे खपचियां तैयार नहीं की जा सकती। कारण ये पक जाते हैं, इसलिए इनका लचीलापन खत्म हो जाता है। अब बच्चों देखते हैं बांस की रंगाई किस प्रकार से की जाती है। तो आइए देखते बांस की रंगाई बच्चों किस तरह से होती है। तो बांस की रंगाई के लिए गुड़हल जो कि फूल होते हैं, इमली की पत्तियों आदि का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बांस को रंगने के लिए परंपरागत जो हमारे साधन है उनके रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अगर बांस को काले रंग का बनाना हो तो क्या किया जाता है बच्चों, बांस को अगर काले रंग का करना होता है तो बांस के काले रंग के लिए खपचियों को आम की छाल में लपेटकर कुछ दिन मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, यानी दबा दिया जाता है। उसके पश्चात उनका जो रंग होता है वो काले रंग में बदल जाता है और ये रंग पक्का होता है। अब बांस की बुनाई बच्चों कैसे की जाती है। बांस की बुनाई एक उस्तादी का काम है, खपची तैयार करना भी एक उस्तादी का काम है। ये उस्तादी क्या होता है बच्चों, उस्तादी होता है हाथ का हुनर, यानी हाथ की कला। इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। इनकी खपचियों को भी बहुत कलाकारी से तैयार किया जाता है, जो हर व्यक्ति के काम का नहीं होता, यानी हर व्यक्ति इसको नहीं कर सकता अगर वो अभ्यास नहीं करे। इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, बांस की बुनाई किस प्रकार से की जाती है। अन्य बुनाई की तरह ही बांस की बुनाई की जाती है। जिस प्रकार से प्रत्येक बुनाई में ताने बाने धागे को इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार बांस की बुनाई भी 2 खपचियों को लेकर के की जाती है। हालांकि 3 लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार से जिस प्रकार से ताने बाने को जोड़ करके उसको बुना जाता है। अब कैसे की जाती है, अन्य बुनाई की तरह ही बांस की बुनाई की जाती है। ताने बाने को आड़ा तिरछा करके फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। बच्चों, अगर आपने अपनी मम्मी को अपनी दादी को स्वेटर बुनते देखा होगा तो आपको पता होगा कि धागे को हम किस प्रकार से करते हैं और हमारा ताना बाना धागा बुन करके कपड़े के रूप में या स्वेटर के रूप में तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से बारी बारी ताने बाने को एक बार ऊपर नीचे करके इस प्रकार से उसमें बुना जाता है। अब बच्चों, जिससे चेक
की डिजाइन बनती है। मतलब इस प्रकार की जो डिजाइन होती है यानी चेक की आकृति की डिजाइन बन जाती है ताने बाने को ऊपर नीचे करने से। तो इस प्रकार बच्चों ताना बाना तैयार होने के बाद में, खपची तैयार होने के बाद में बुनाई का कार्य शुरू होता है और बुनने के साथ हम उस वस्तु के हिसाब से उसको बुनते हैं जो हमें चीज बनानी होती है, चाहे वो टोकरी हो, चाहे वो टोपी हो, चाहे वो सजावटी सामान हो। खपची की आकृति, खपची का आकार, उसकी चौड़ाई, वो सभी उस वस्तु के ऊपर निर्भर करता है जो हम बांस से बना रहे हैं। और एक और बात बच्चों, बांस से अचार भी बनता है। तो आपको इस प्रकार चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।